हे गाइस, वेलकम टू इन्फोटेक प्लस एंड वेलकम अगेन टू अ न्यू टेक वीडियो। फ्रेंड्स, जब से MIUI 11 का अपडेट आया है, स्टेबल या बीटा जो भी हो, तो उस अपडेट में बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे कि सेटिंग से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड और बहुत सारे ऑप्शन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है गेम स्पीड बूस्टर। अगर आप पबजी खेलते हैं और आप पबजी लवर हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। फाइनली जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, रेडमी नोट 7 प्रो है, लेकिन अगर आपने MIUI को अपडेट कर रखा है अपने रेडमी के किसी भी डिवाइस में, तो ये ऑप्शन आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को आप बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं सेटिंग में जाकर आपको दिखा देता हूं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं, और वाइल प्लेइंग पबजी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं कि किस तरीके। तो देख सकते हैं, अगर मैं सेटिंग में जाऊं तो चेक करूं तो देख सकते हैं गेम स्पीड बूस्टर में यहां पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज किया है। ये सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। ये 2.0 है और जो पहले हम यूज करते थे वो 1. लाइक दैट। तो फाइनली अगर कैसे इसको यूज करना है, कैसे नहीं, तो फाइनली मैंने शॉर्टकट यहां पर लगा रखा है, इस तरीके से देख सकते हैं मेरे डिवाइस में ऊपर है। अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आपको इसके बारे में नहीं पता, तो फाइनली आपको सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में चले जाइए, उसके बाद इसको इनेबल कर लीजिए, उसके बाद का मैं प्रोसेस आपको यहां पर दिखाता हूं। तो देख सकते हैं यहां पर टर्बो जो गेम बूस्टर वो यहां पर मिल जाता है, उसके साथ ही यहां से शॉर्टकट भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम टर्बो बूस्टर की बात कर लेते हैं, ये कैसे काम करता है और इसका क्या वर्क है। तो फाइनली इस टर्बो मोड में आप किसी भी गेम को यहां पर जो है ना ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पबजी लाइट एंड पबजी मोबाइल दोनों को ऐड कर रखा है। अगर तीसरा गेम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ से कोई भी गेम यहाँ से ले सकते हैं। तो फाइनली मेरे फोन में दो ही गेम है, फाइनली मैं दूसरे नहीं खेलता हूँ, असफाल्ट वगैरह था वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से इसको ऐड करना है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फीचर, तो फाइनली यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेटिंग में चले जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो बूस्टर जो है वो स्टार्ट कर देना है, शॉर्टकट भी जनरेट कर लेना है, और यहाँ पर इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली जैसे मतलब यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस मोड की बात करता हूँ तो ये भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाए। अभी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, पहले मैं आपको फीचर्स इसके दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या काम करता है। इस तरीके से देख सकते हैं आंसर कॉल्स एंड हैंड फ्री, जैसे अगर पबजी खेल रहे हैं किसी को कॉल आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको हैंड फ्री कर देगा, या इसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो फाइनली मैं पबजी मोबाइल आपको स्टार्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो फाइनली देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है कि गेम का जो टर्बो मोड है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, और अब ये साइड से काम करेगा। जैसे मैं इसको स्वाइप करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे GPU, CPU और फ्रिक्वेंसी रेट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिल जाता है, सेटिंग, वाईफाई, सिम का कनेक्शन चेंज करना, या अपने स्क्रीन को वाईफाई के थ्रू, यानी कि इसको ब्रॉडबैंड के थ्रू अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर वाईफाई आपके डिवाइस में हो, आपके LCD में भी वाईफाई है, तो उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अपने LCD पे पबजी के मज़े ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि व्हाट्सएप है, यहीं से क्विक लॉन्च कर सकते हैं। तो फाइनली मैं पहले पबजी को ओपन कर देता हूँ, लॉबी में जाता हूँ, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ। उसके बाद मैं इसको अगर यहाँ से स्वाइप करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये मोड आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका GPU कितना यूज़ हो रहा है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, और कितने फ्रेम पर सेकंड का जो इसका जो है फ्रेम रेट चल रहा है। अब जैसे कि WhatsApp पे अगर मैसेज आ जाता है वाइल प्लेइंग पबजी, अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो आप उसको इसी तरीके से यहाँ पर छोटी विंडो खोल के यहाँ से जो इस तरीके से उसको मैसेजिंग को जो है ना चेक कर सकते हैं, और रिप्लाई भी यहीं से इवन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आप इसको कट करना है तो फाइनली मैं सही से इसको कट कर नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फेसबुक वगैरह कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे अगर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी छोटी सी विंडो आ जाएगी, लेकिन आपका यहाँ पे पबजी स्टार्ट है, यू कैन सी ओवर हेयर। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है गाइस, जिस तरीके से आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वे है, पर यहाँ पे आपके ये गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि जितना भी आपके प्रोसेसर का काम रहता है वो यहाँ पर सारा डिपेंड होकर यहीं पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर स्क्रीन को कास्ट करना है, और यहाँ पर आप अगर जैसे वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं HD क्वालिटी में, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्क्रीन शॉट का है, एडिट, और यहाँ पर ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, मतलब सारी ही चीज़ें आप अगर पबजी खेलते हुए करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और वीडियो रिकॉर्डिंग का देख सकते हैं नीचे आइकन आ गया और वीडियो रिकॉर्ड होने लगा है।
तो इस तरीके से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पबजी भी खेल सकते हैं और यहाँ पर सारे ही फीचर्स के मजे ले सकते हैं, क्योंकि MIUI 11 में ये बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया गया, लेकिन पहले ये चीज़ें MIUI 10 में थी बट ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं करती थी, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर इसका जो कैश है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जितना प्रोसेसर का लोड है वो कम हो जाता है और उसके हिसाब से आपके गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। इस तरीके से आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मैं जब भी पबजी खेलता हूँ तो इसको इनेबल करके रखता हूँ, मैंने दोनों चीज़ों में इसको इनेबल कर रखा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और पबजी बहुत अच्छी क्वालिटी में आप यहाँ से खेल सकते हैं, नो लैगिंग, नो हैंग वगैरह, और बैटरी बैकअप वगैरह भी काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर का जो वर्क है वो सारा यहीं पर फोकस आ जाता है, जिससे आपका यहाँ पर जो बैटरी बैकअप वो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो गेमिंग टर्बो है वो भी देख सकते हैं और उसके साथ ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको यहाँ पर नहीं आना है। तो गाइज़ यही वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे जो हैं सब्सक्राइबर इसके बारे में पूछ रहे थे, इसका बैटरी टेस्ट भी बनाओ और गेमिंग इन्फो मतलब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी बताइए MIUI 11 की। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कोई कमेंट, कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कुछ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप मुझे, और वीडियो कैसा लगा तो इसके बारे में भी आप मुझे बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नया है और MIUI 11 से रिलेटेड या कंप्यूटर इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।